Good morning, all of you. I hope you all are fine. Now, today I am going to continue my last chapter, sea song. I hope you saw my last video in which I write the word meaning of this chapter. इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डिफिकल्ट वर्ड मुझे लगे थे वो मैंने आपको वर्ड मीनिंग के तौर पर लास्ट क्लास में आपको करवाए थे और मैंने कहा भी था कि आपको ये फॉर्म आपको रीड करके रखना है, पढ़ के रखना है, लर्न करके रखना है, जिसको मैं और राइटिंग प्यारी प्यारी से हैंड राइटिंग में आपको इसको टेक्स्ट नोटबुक में भी राइट करना है। आई होप आपने कर लिया होगा। और मैंने आपको एक पॉड जो लास्ट चैप्टर का हाँ ऑड में सर्कल करना है वो आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। आई होप आपने कर लिया होगा। और कुछ ने मुझे सेंड किया था, बहुत अच्छा, बहुत सही किया था, उसको भी मैं आज एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन दिस पोम सी सॉन्ग। प्लीज बीच में नहीं बोलना है किसी को भी और स्पीकर को अनम्यूट पे नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एवरीवन ओपन पेज नंबर 34 इन योर मैरीगोल्ड बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल You show me book. Open page number 34 and show me. Page number 34 open करेंगे सी सॉन्ग और मुझे दिखाएंगे। चलिए फटाफट मुझे बुक ओपन करके पेज नंबर 34 ओपन करके दिखाइए। गुड हर्षिता, वेरी गुड। यही वाला चैप्टर है, ठीक है, यही वाला पेज है। फटाफट ओपन करिए, दिखाइए। अरे बाबा, जिसमें कैमरा ऑफ रखा है वो प्लीज दिखाइए। हाँ ठीक है हर्षिता, दिख गया बेटा, ओके गुड। और दिखाइए आर्या, गुड। और दिखाइए बेटा, प्लीज शो मी बुक फास्ट। गुड सोम, गुड उत्कर्ष, गुड विवान, गुड। प्राची के पास बुक नहीं है क्या बेटा? गुड रुद्रांश, तनिष्का, वेरी गुड, यस वेरी गुड, ओके। आई होप सभी ने बुक का पेज नंबर 34 ओपन कर लिया है। अब आते हैं फॉर्म की तरफ, ओके। बिफोर स्टार्ट द फॉर्म, गुड गुड समृद्धि, गुड, ओके। बिफोर स्टार्ट द चैप्टर, Have you ever collected the cell? क्या आप सबने भी सेल को कलेक्ट किया है? जैसे मैंने वर्ड मीनिंग में आपको राइट कराया था, सेल मीन्स क्या होता है? स्टंप होता है, जो कि हमें मोस्ट ऑफ कहाँ रेतीले जगह पे देखने को मिलता है, बालुओं में देखने को मिलता है और सी शोर में देखने को मिलता है, यानी कि समुद्र के किनारों पे, ठीक है। मे बी आप लोग गए होंगे बीच पे घूमने या पिकनिक मनाने, तो आपने वहां देखा होगा, वहां बहुत सारे स्टंप देखने को मिल जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया है, कलेक्ट किया है? मे बी कि शायद आप लोगों ने किया होगा। हाँ ओके, यस मैम, ओके। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे, इस फॉर्म को। नाउ एंजॉय दिस फॉर्म अबाउट अ सेल दैट थिंग, ओके। ये फॉर्म किससे रिलेटेड है? उसी संघ से रिलेटेड है और उसके सॉन्ग से रिलेटेड है, ठीक है। तो आइए रीड करते हैं और उसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं, तो उसको अच्छे से समझिए और उसको एंजॉय करिए। लेट्स स्टार्ट सी सॉन्ग। चैप्टर का नाम है सी सॉन्ग। आई फाउंड अ सेल, फाउंड मीन्स चिल्ड्रन क्या होता है? बहुत अच्छे से देखिए हर्षिता, सभी लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे बुक में, बुक पर देखिए, मैं हर एक वर्ड का मीन्स बता रही हूँ, प्लीज फॉर्म को समझने की कोशिश करिए और इधर उधर नहीं, फुल कॉन्सेंट्रेशन आपका बुक में होना चाहिए। आई फाउंड अ सेल, फाउंड मीन्स होता है चिल्ड्रन पाना, जब हम कोई चीज पाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फाउंड, ओके। आई फाउंड अ सेल, अ पर्ली वन, इसमें क्या, ये जो पोएट है, जो बॉय है, वो क्या बोल रहा है? मैंने एक सेल पाया, सेल सेल यानी कि शंख को पाया, अ कर्ली वन, वो कैसा था? घुमावदार था। कर्ली मीन्स क्या होता है? घुमावदार, ठीक है। आप मैं आपको दिखाती हूँ शंख आखिर होता किस तरीके से का है, इस तरीके से है। मे बी क्या सभी ने होता है ना? यस घुमावदार होता है,
Yes, L will ma'am. do for Okay. girl. I found a cell, a curly one. ओके इसमें बुआ क्या बोल रहा है, मैंने एक सेल पाया, एक संख पाया, वो कैसा था, घुमावदार था, ठीक है, कर्ली था, कर्ल्ड. लेइंग ऑन द लैंड जो कि कहाँ पर, सॉरी लेइंग ऑन द सैंड जो कि कहाँ था, सैंड में था. सैंड क्या होता है चिल्ड्रन, बालू होती है, ठीक है, जो रेतीले पार्ट होता है ना जिसमें रेत होती है उसको बोलते हैं सैंड. लेइंग ऑन द सैंड जो कि कहाँ था, बालू पे पड़ा था. I picked it up. Pick means होता है जिसे उठाना. आप ऊपर गए and took it home. मैंने क्या किया, मैंने उसको उठाया और उसको कहाँ ले गया, अपने घर ले गया. समझने की कोशिश करिए लक्ष्मी और नैन्सी, आपके घर की आवाज मेरे पास आ रही है, प्लीज स्पीकर को म्यूट में करेंगे. लक्ष्मी इज ऑल्सो, सी इज ऑल्सो. ओके नाउ कंटिन्यू पोएम. Cold inside in my hand. लेकिन जब मैंने उसको अपने हाथों पे लिया तो मैंने उसको महसूस किया कि ये अंदर से बहुत कैसा है, ठंडा है, क्योंकि वो जो सेल था वो कहाँ था, सील के पास, सी के पास था ना, समुद्र के पास था. और हमेशा पानी और रेत कैसे होते हैं, जहां पर पानी होता है वहां का रेत कैसा होता है, ठंडा होता है. तो वो जो सेल था वो कैसा फील हो रहा था, बहुत ही ठंडा महसूस हो रहा था. आई रिपीट अगेन, आई फाउंड अ सेल, आई A curly one, laying on the sand, I pick it up and took it home, cold inside my hand. मैं एक घुमावदार संख को पाया, जो कि सेल से पड़ा था. मैंने उसके साथ क्या किया, मैंने उस सेल को उठाया और अपने घर ले गया, जो कि जब मेरे वो मैंने उसको हाथ में लिया तो वो कैसा था, बहुत ही ठंडा महसूस हो रहा था, बहुत ठंडा था. मम्मी नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा. मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन, मम्मी ने जब देखा सी हेल्ड इट टू माय ईयर, और उसको कहाँ ले गई, मेरे कानों के पास. आप पिक्चर में देख रहे होंगे ऑलरेडी, इस पेज में दिया हुआ है उसकी मम्मा उसके कानों में कैसे पास में ले जा रही है. एंड फ्रॉम द सेल देयर केम अ सॉन्ग, और उससे उस जो सेल था उससे क्या आ रहा था, आवाज आ रही थी, एक गाना आ रहा था, उससे एक गाने की आवाज निकल रही थी. सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर, वो आवाज कैसी थी, जब आप देखते हो बिल्कुल स्वीट सॉन्ग बजता रहता है लाइट साउंड में, कितना अच्छा लगता है अपने को, काम करो या फिर कुछ ऐसा घर पे मम्मी लोग मॉर्निंग में, या फिर कहें कि जब आप काफी स्वीट सॉन्ग सुनते हो तो कितना रिलैक्स माइंड को फील होता है. ऐसा ही उससे भी, उस संख से बहुत ही स्वीट और सॉफ्ट साउंड निकल रहा था, बट साउंड कैसा था, बिल्कुल क्लियर था. ओके आई रिपीट अगेन, मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन सी हील्ड इट टू माय ईयर एंड फ्रॉम द सेल देयर केम अ सॉन्ग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर. जब मम्मी ने देखा सेल को तो उस सेल को अपने हाथ में लिया और उसको मेरे कानों के पास ले गई. ये बहुत ही सॉफ्ट स्वीट और बिल्कुल क्लियर साउंड का सॉन्ग आ रहा था. आई वॉज सरप्राइज, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. आई वॉज सरप्राइज, आई लिसन्ड हार्ड बट इट वॉज रियली ट्रू. I wish you did find a nice big cell and hear it singing too. I was surprised. अब बच्चा क्या कह रहा है कि जब मैंने उस सेल से इतना सॉफ्ट स्वीट और क्लियर साउंड को सुना तो मैं कैसा था, सरप्राइज था, वंडर था, आश्चर्यचकित था कि ये क्या, ये कैसी आवाज. I listened hard. मैंने बहुत गौर से सुना उस आवाज को, but it was really true. मैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उस सेल से आवाज भी आ सकती है, बट जब मैंने उसको गौर से सुना तो ये क्या था, ये वास्तविकता में सच था कि उस सेल से आवाज आ रही है. प्रेवर स्पीकर को म्यूट में डालिए. बट इट वॉज रियली ट्रू, लेकिन ये क्या था, वास्तविकता में उस संघ से आवाज आ रही थी. आई विश यू डिड फाइंड अ नाइस बिग सेल, और जब मैंने ये माना कि वाकई में उस सेल से बहुत ही प्यारी सी सॉन्ग की आवाज आ रही है, स्वीट सॉन्ग की आवाज आ रही है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसने क्या विश किया, उसने अपने मन की इच्छा व्यक्त की कि क्यों ना ऐसा हो कि अब जब मुझे सेल मिले तो बड़ा सेल मिले,
क्यों बड़ा सर मिले एंड हियर इट सिंगिंग टू, जिससे मैं ये गाने की आवाज आराम से सुन सकूं, क्योंकि बड़ा सेल होगा तो वॉइस भी बड़ी होगी ना, ज्यादा होगा। तो उसने विश क्या किया कि या मुझे बड़ा सेल मिलेगा तो मैं इसकी गाने की आवाज बहुत अच्छे से सुन सकता हूँ। आई रिपीट दिस पैरा, आई वॉज सरप्राइज, आई लिसन हार्ड बट इट वॉज रियली ट्रू। जब जब मैंने आवाज गाने की आवाज सुना तो मैं काफी सरप्राइज था, इसीलिए मैंने उसको बहुत हार्ड बहुत गौर से सुना, बट ये वास्तविक था, ये सच था कि उस संग से आवाज आ रही थी। आई विश यू डिड फाइंड अ नाइस बिग सर एंड हियर इट सिंगिंग टू। तब मैंने मन में इच्छा रखी कि क्यों ना अब नेक्स्ट टाइम जब मुझे सर मिले तो मुझे इससे बड़ा सर मिले जिसके गाने की आवाज मैं आराम से सुन सकूं। ओके, आई होप आपको ये पोम अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, कुछ बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, मैं जल्दी जल्दी से इसको मैं रिपीट कर रही हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। आई फाउंड अ सेल, अ कर्ली वन लेइंग ऑन द सैंड, आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम कोल्ड इनसाइड माई हैंड। एक बार मैंने एक सेल को पाया जो कि कर्ली घुमावदार था, जो कि कहां मुझे कहां मैंने पाया, बालू में रेत में मैंने एक सेल जो कि घुमावदार सेल था मैंने उसको पाया और मैं उसको उठाकर अपने घर ले गया, जो कि अंदर से बहुत ही ठंडा था। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माय ईयर। प्लीज स्पीकर को म्यूट में रखिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग वाला मैं वीडियो भेजूंगी तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हो बेटा। बार बार मुझको वही बात ना दोहराने के लिए बोला करो। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माय ईयर। मम्मी ने जब देखा तो उसको अपने हाथों में लिया और वो मेरे कानों के पास ले गई, और जिससे उस सेल से बहुत ही स्वीट सॉफ्ट और क्लियर साउंड आ रहा था। आई वॉज सरप्राइज, आई लिसन हार्ड बट इट वॉज रियली ट्रू। आई विश यू डिड फाइंड अ नाइस बिग सेल एंड हियर इट सिंगिंग टू। जब मैंने उस आवाज को, प्यारी सी स्वीट सी क्लियर साउंड को सुना तो मैं काफी सरप्राइज था और मैंने काफी गौर से सुना, लेकिन ये वास्तविक था कि वो आवाज वो स्वीट सॉन्ग उसी शंख से आ रहा है। तब मैंने मन में इच्छा रखी, मैंने विश किया कि अब जब नेक्स्ट टाइम मुझे मिले तो इससे बड़ा सर मिले जिसकी गाने की आवाज मैं अच्छे से सुन सकूं। ओके, आई होप आपको ये पोम अच्छी लगी होगी। ओके, नाउ मैं आप इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आई होप आर यू रेडी? यस मैम। यस मैम। ओके, वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सीसर? इन सैंड। यस, इसलिए आपको नहीं बताया क्यों, क्योंकि मैंने इंट्रोगेटिव वर्ड को मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वेयर इट मीन्स कहाँ, है ना। वेयर का मीन्स क्या होता है, कहाँ, वो पूछा जा रहा है। द चाइल्ड फाइंड द सीसर, चाइल्ड ने वो सीसर कहाँ पाया? ओके, वेरी गुड। What did the child do with the cell? आप क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, मैंने क्वेश्चन पूछा है What did the child do with the cell? What it means? क्या? Yes, उसने लिया और उसको अपने साथ क्या किया, अपने साथ घर ले आया। ओके, What did the child here? Child here. अनम्यूट कर लेते हो, रिप्लाई केवल एक या दो ही आती है।
मुझे समझ में नहीं आता तो स्पीकर को अनम्यूट में क्यों करते हो? ओके क्लियर, ओके क्लियर। बट ये मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपको आंसर वन और टू चाइल्ड ही देते हो तो स्पीकर को सब कोई अनम्यूट क्यों कर लेते हो? बेटा आंसर क्लियर नहीं आता मेरे पास, ओके आंसर क्लियर नहीं आता फिर मेरे पास, इसीलिए जिनको आंसर देना हुआ करे केवल वही अनम्यूट किया करें, ठीक है? ओके तो इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ के रखना। इसके देखें न्यू वर्ड देख लेते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। जल्दी से स्पीकर को म्यूट में डालिए। न्यू वर्ड है आपके ऑलरेडी पेज नंबर 34 में, सेल। सेल मीन्स मैंने आपको बता ही दिया, संख है, हील्ड पकड़ना, सरप्राइज आश्चर्यचकित, कर्ली कर्ली यानी कि घुमावदार, क्लियर यानी कि बिल्कुल साफ, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, ओके। मैं कुछ वर्ड अपोजिट आज लिखवाना चाहती हूँ। Now everyone open page number 37. Everyone open page number 37. कोई भी एडवांस काम नहीं करेगा, अभी जब करवाएंगे तभी करोगे, ठीक है? पेज नंबर सभी लोग 37 ओपन कर लीजिए। ओपन हो गया। नाउ रीड द फॉलोइंग चिल्ड्रन, पेज नंबर 37 में आपको एक पोम दी हुई है। बर्ड सिंग, पोम रिंग, पीपल टॉक, डॉग बार्क, काउज मू, बीज बर्ड, चिल्ड्रन हुड। मिला सभी को? यहाँ पर आपको क्या है, साउंड दिया हुआ है। दिस इज द पोम रिलेटेड टू साउंड, है ना? I repeat again, birds sing, phones ring, people talk, dogs bark, cow moon, cock crow, bees buzz, children hoot. Okay? What do the birds do? Sing. Okay? Very good. What do the bees do? What do the children do? Okay. What do the dogs do? Bark. Okay. What do the people do? What do the cocks do? Children, one thing more. जब हम कोई सेंटेंस राइट करते हैं, ठीक है? नाउ अगेन आप इस स्पीकर को म्यूट में डालिए। Yes, ma'am. Okay. Now listen. जब हम कोई सेंटेंस को राइट करते हैं या रीड करते हैं, yes. ठीक है? वो सेंटेंस कैसे कंप्लीट होता है? स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर यूज करते हैं, मैंने बताया भी है। जब आप आंसर कोई राइट करोगे तब भी ऐसा सेम एज करोगे, उसका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होना चाहिए और एंडिंग फुल स्टॉप होना चाहिए, ठीक है? बट अगर ये कंप्लीट नहीं होता, केवल इंफॉर्मेशन दी रहती है, इट्स कॉल्ड अ फ्रेज, ओके। यहाँ पर आपको यही दिया हुआ है, आप देखिए, रीड द फॉलोइंग दिस पैरा
आफ्टर दैट आपका दिया हुआ है मैन द फ्रेज विद द पिक्चर. आपको पिक्चर किस किस चीज की दी हुई है? यहाँ पर पिक्चर दी हुई है एक बर्ड की. केवल आपको फेस बना के दिखा दे रही हूँ, बाकी आप आइडेंटिफाई कर लोगे. नाउ दिस व्हाट इज दिस? बर्ड. मैम काऊ. मैम काऊ. काऊ. मैम काऊ. मैम फोन. फोन. टेलीफोन. मैम. मैम कॉप. मैम कॉप. मैम कॉप. मैम डॉग. मैम डॉग. मैम डॉग. क्लियर? क्लियर. यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे अ बर्ड. बीच में कोई नहीं बोलेगा प्लीज, मैं जब पूछूंगी तभी बोलना है, बाकी आपको इस स्पीकर को म्यूट में ही रखना है. ठीक है? वेट. स्पीकर को अनम्यूट नहीं करना है. फर्स्ट आपका सेंटेंस दिया है कंटिन्यू करते ऐड होता है. एक्चुअली ग्रामर लेके चलेंगे क्योंकि स्पेशली या तो फिर हम रेफरेंस के जरिए ग्रामर अलग से पढ़ाओगे. मूविंग आईएनजी आ रहा है, यानी कि काउ जो होगा वो साउंड, काउ जो है वो साउंड निकाल रही है. ठीक है? कंटिन्यू कर रही है तो साउंड में आईएनजी ऐड है. नाउ आई फोन रिंगिंग. बज रहा है. अनम्यूट किए हैं. मैम अवनी. डॉग. डॉग है वो साउंड. रीड करके रखना है, समझ के रखना है.
आफ्टर दैट मैं इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आज आपसे ओरल सुन लिए हैं. आई नो आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है. नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी. अभी जो मैंने मैचिंग कराई हूँ मैचिंग कर लीजिए मुझे आप लोग. फिर बेटा ऑनलाइन क्लास में तो ये बोला ही नहीं जाता. मैंने आपको कई बार बताया है आप सभी को केवल स्पीकर को म्यूट में रखना है और आपको करना है. मुझे पता चल जाएगा आप लोग का जब हो जाएगा. मैम आई हैव कंप्लीट. फिर मैंने मना किया ना. बाकी पोम को रीड करेंगे, जो नहीं आएगा वो पूछ सकते हो. बाकी जिनका होता जाए वो पेज नंबर 34 ओपन करेंगे और पोम को रीड करेंगे. जिस वर्ड का मींस नहीं आएगा वो पूछ सकते हो. जूम क्लास में अटेंड करने का मींस ही यही होता है कि आप अपनी क्यूरीज को क्लियर करें, ना कि कंप्लीट कंप्लीट करते रहे. रीड करके देखिए, जितना डिफिकल्ट वर्ड है आप उसको रीड करिए और अच्छे से समझ लीजिए. अगर कोई वर्ड रीड करना नहीं आ रहा है तो भी आप पूछ सकते हो. एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो भी आप पूछ सकते हो. मैम आपकी वॉइस चली गई. जब आप कुछ बोलेंगे तो वॉइस चली जाएगी ना, तब भी वॉइस आएगी क्या? मैम मेरा कंप्लीट हो गया. कंप्लीट हो गया. ओके यस मैम. कर लीजिए कर लीजिए आराम से कर ले फिर उसके बाद. और बाकी ये है क्या, ये कह सकते हैं इसको हम एक्सप्लेन करेंगे पॉसिटिव में. वो मैं मे बी कि नेक्स्ट वीक से मैं आप लोगों की ग्रामर टेस्ट करने वाली हूँ. ठीक है मैम. रीडिंग ठीक है. नेक्स्ट वीक से मैं आप लोगों की ग्रामर स्टार्ट करने वाली हूँ, जिससे आपको ये जो छोटे छोटे से क्यूरीज स्टार्ट होने वाले हैं मुझे पता है तो वो आपके क्लियर होते चलेंगे. ठीक है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. तो ठीक है बेबी कि आप सभी का हो गया है. तो आज की क्लास मैं इतने में ही क्लोज करती हूँ. तब तक के लिए बाय बाय. ओके बाय. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करूंगी. बाय 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 बाय. दिव्यांशी आप अपने नाम से लॉग इन करना बेटा. ठीक है यस बाय मैम. ओके.